बिहार में एक बार फिर समुद्री चक्रवात का असर दिखने वाला है। पटना सहित बिहार के ज्यादातर भागों में शनिवार को घनघोर बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान बिहार के 3/4 हिस्से में बादल छाए रहेंगे। इस कारण अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने शनिवार को पटना सहित दक्षिण मध्य और पूर्वी भागों में गरज और तड़क के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश होने से तापमान में गिरावट के आसार है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में बारिश लोगों के लिए तबाही का सबब होगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार एक चक्रवातीय संरक्षण म्यांमार और पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर फैला हुआ है। इसकी दिशा उत्तर पूर्व बिहार की ओर है। इसके प्रभाव से 2 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार है। वहीं गुरुवार को प्रदेश के कुछ जगहों पर मध्यम और हल्की बारिश हुई, जबकि ज्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच उमस वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। शनिवार को इससे राहत की उम्मीद है। शुक्रवार को राजधानी से सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी थी, लेकिन बीच बीच में सूरज की तल्खी के कारण लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। इस बीच दोपहर राजधानी के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि राजधानी में कई जगहों पर बूंदाबूंदी हुई। इस बीच राजधानी की अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रदेश का सबसे गर्म जिला 35.9 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज रहा।